ठीक है, यूनिट टू में हम लोग क्या पढ़ना है, टू हिज लव, ये लिखा किसने है, विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है द सन राइजिंग, द सन राइजिंग, इसको लिखा है जॉन डन ने। ठीक है, तीसरा जो वर्क हम लोगों को पढ़ना है यहां पर, वो पढ़ना है पैराडाइज लास्ट, ठीक है, पैराडाइज लास्ट इपिक है, 12 बुक्स में है, बहुत बड़ा वर्क है, इसलिए यहां पर हम लोग क्या पढ़ना है, इसका सेलेक्टेड लाइंस, लाइन 1 to 26, यानी कि फर्स्ट 26 लाइंस हम लोगों को पढ़ना है, लिखा किसने है इसको, जॉन मिल्टन ने। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है, फर्स्ट सेकेंड यूनिट जो है, जहां से हमारा लिटरेचर बिगिन हो रहा है, वहां पर हम लोगों को इन 3 पोएम्स को पढ़ना है। ठीक है, एंड इसमें 3 पोएम्स से हम लोग आज क्या बिगिन कर रहे हैं, विलियम शेक्सपियर की पोएम टू हिज लव। ठीक है, और ये टू हिज लव जो है एक्चुअली में क्या है, इनके 154 सॉनेट्स में सॉनेट नंबर 18 है। क्लियर, इसको एक दूसरे टाइटल से, जो इसका पहला लाइन है, फर्स्ट लाइन है, उस टाइटल से भी, मीन्स कि इसकी फर्स्ट लाइन जो है उसको भी एज टाइटल यूज किया जाता है, वो है सेल आई कंपेयर दी। ठीक है, तो सेल आई कंपेयर दी कहा जाए, टू हिज लव कहा जाए, या फिर सॉनेट नंबर 18 कहा जाए, उसका मतलब सेम होता है। ठीक ना, बात समझ में आ गई, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉनेट नंबर 18। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज थोड़ा सा और समझते हैं कि विलियम शेक्सपियर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है एक्चुअली, क्योंकि विलियम शेक्सपियर में हम लोग एज पोएट भी पढ़ेंगे, दो टाइप से पढ़ेंगे इनको। ठीक है, विलियम शेक्सपियर को हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे, इनको दो तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला इनको हम लोग पढ़ेंगे एज पोएट, ठीक ना, एज पोएट में हम लोग पढ़ेंगे सॉनेट 18, ठीक है, और एज प्ले में, प्ले राइट, हम लोग इनका पढ़ेंगे दो प्ले। ठीक है, तो दो प्ले कौन कौन से पढ़ेंगे, मैकबेथ पढ़ेंगे, जिसकी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, ये ट्रेजेडी है। ठीक है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ट्वेल्थ नाइट, जो कि एक कॉमेडी है, ठीक ना, जो कि हम लोगों को करना है नॉन डिटेल स्टडी, लेकिन अभी जो हम लोगों ने बिगनिंग की है उसमें तुरंत में हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे लास्ट यूनिट में, एंड में, अभी शुरुआत में हम लोग किसको पढ़ेंगे, टू हिज लव, जो कि सेकेंड यूनिट में है, मीन्स कि यहाँ पर हम लोग विलियम शेक्सपियर को एज पोएट पढ़ने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को ये देखना चाहिए कि पेपर का पैटर्न कैसा है और विलियम शेक्सपियर से क्वेश्चंस क्या क्या आ चुके हैं, क्योंकि जब हम लोग बीए को टारगेट कर रहे हैं तो इस कंडीशन में हम लोगों को चाहिए कि हम लोग पेपर का पैटर्न भी समझ लें, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं इसको भी समझ लें, आप लोगों की ये जिज्ञासा भी थी। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, हमने लिखा है पेपर का पैटर्न, पैटर्न ऑफ पेपर, तो पहली बात क्या है कि जो आपका पेपर होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, क्या क्या होंगे 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स इस तरह होंगे, पहला होगा क्वेश्चन वन, दूसरा होगा सेक्शन ए, ठीक है, और तीसरा होगा सेक्शन बी। क्लियर, तो क्वेश्चन 1 जो होगा, जिसको हमने यहां लिखा है, ये क्या है, ये एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है, जहां पर आपको 5 एक्सप्लेनेशंस करने होंगे, ठीक है, 5 करने होंगे, का जो कहां से आएंगे, जो आपके यहाँ जितने टेक्स्ट प्रिस्क्राइब है, एक्सेप्ट 12th नाइट, 12th नाइट एक ऐसा वर्क है जो आपके सिलेबस पे प्रिस्क्राइब्ड है, वो नॉन डिटेल स्टडी में है, वहां से एक्सप्लेनेशन नहीं आएंगे, ओनली क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बाकी का मैकबेथ
और जितने भी वर्क्स आपके सिलेबस में मेंशन है पेपर सेकंड में, वहां से आपको लाइंस दी जाएंगी, एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करना होगा, जैसे आप 12th क्लासेस में लिखते आए होंगे, ठीक है। यहाँ भी हम आपको करना बताएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, ठीक। तो एक पहली चीज क्या है, एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन के लिए आपको सबसे जरूरी होता है टेक्स्ट को पढ़ना, ठीक है। टेक्स्ट को पढ़ना और उसकी लाइंस को याद रख पाना और उसमें ऐसे कैचिंग वर्ड्स, कैचिंग लाइंस को मार्क करना, उनको याद रखना, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि जो लाइन दी गई है वो किस वर्क से है, किस पोएम से है या किस प्ले से है, और प्ले से है तो किस एक्ट और किस सीन से है, किसने कहा है। इतनी बातें आपको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो ये तो हुई क्वेश्चन वन की, और ये क्वेश्चन वन जो है कंपलसरी है, यानी कि आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सारे के सारे करने होते हैं, ठीक है। मींस कि सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के कंपलसरी होंगे, और उन्हें लगभग एक एक एक्सप्लेनेशन लगभग आपको 200 वर्ड्स में करना होता है, इसलिए 200 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1000, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन हो गया आपका वो कितने वर्ड्स का हो जाएगा, टोटल नियर अबाउट 1000 वर्ड्स का, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन टू पर। सेक्शन टू जो होगा उसमें आपको करने होंगे 2 क्वेश्चंस, ठीक है, आउट ऑफ 4, मींस टोटल 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपको आंसर करना है, ऐसे टाइप आंसर करना है इन अबाउट 1000 वर्ड्स, क्लियर है। मींस की 2 क्वेश्चंस हो गए और 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 वर्ड इज इक्वल टू 2000 वर्ड्स आपको लिखने हैं इन क्वेश्चन नंबर, इन सेक्शन नंबर 2, सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन बी में देखेंगे तो यहां भी क्वेश्चंस होते हैं और सेम है पैटर्न, 2 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 4, और वो भी कितने वर्ड्स में, 1000 वर्ड्स है। बट यहां पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी, ये 1000 वर्ड्स क्या है, 500 + 500 मींस कि जो आपका ये एक क्वेश्चन होगा ये डिवाइडेड होगा 2 सेक्शंस में, ठीक है, 1 and 2, और ईच को आपको 500 वर्ड्स में लिखना होता है। मींस कि यहाँ भी आपके टोटल कितने हो जाते हैं, 2000 वर्ड्स, ठीक है। टोटल आपको इन 3 आवर्स के पेपर में 5000 वर्ड्स के नियर में लिखना होता है। इस बात के लिए भी आप तैयार रहें, आपकी राइटिंग स्पीड और राइटिंग दोनों ही बेटर होनी चाहिए, तो ये चीजें जरूरी हैं। तो इस पैटर्न को आप देखिएगा, इस पैटर्न पर आपको काम करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर से क्या पूछे गए हैं, तो जरा हम देखते हैं विलियम शेक्सपियर से किन क्वेश्चंस को हम कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉनेट से रिलेटेड आया था, उस सॉनेट को हम यूनिट 1 के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, वहां हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसको अभी यहां नहीं इंक्लूड करेंगे। तो एज पोएट अगर हम बात करें, ठीक है, एज पोएट बात करें तो 19, देखिए अभी जो आपके सामने पेपर है वो केवल जब से ये नया सिलेबस आपको मिला है तब से 2 पेपर होने चाहिए थे, 2019 का, ठीक है, और 2020 का, बात समझ में आई। तो 19 का पेपर तो दोनों अवेलेबल है, फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन 2020 में आपको ओनली फर्स्ट पेपर अवेलेबल है, सेकेंड पेपर नहीं हुआ था ड्यू टू कोविड, ठीक है, कोविड-19 की वजह से सेकेंड पेपर नहीं हुआ था, इसलिए आपको मिलता क्या है, केवल एक पेपर मिलता है जहां से आप कुछ क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। तो 2019 के पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसको हमने यहाँ लिखा है, जिसमें से 1 क्वेश्चन है एज पोएट, ठीक है, और 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं एज प्लेराइट से, ठीक है, प्लेराइट का मतलब होता है ड्रामेटिस्ट, बात समझ में आई। तो एज पोएट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है क्रिटिकल एप्रोसिएशन ऑफ शेक्सपियर्स टू हिज लव, यानी कि जो पोएम आप पढ़ने चल रहे हैं उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन, मींस आप यूं समझिए कि जितनी भी पोएम्स आप पढ़ेंगे वहां से एक ये फिक्स क्वेश्चन बनता है, दैट इज क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, ठीक है।
तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना आपको आना चाहिए और वो एक नेसेसरी क्वेश्चन बनता है। तो वही एक क्वेश्चन 2019 में आया है और एज पोएट से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। बाकी के चार क्वेश्चंस जो हैं वो एज प्लेराइट से आए हैं, मींस कि प्लेज से आए हैं, जिनमें से दो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कहाँ से हैं, मैकबेथ से हैं, और दो जो है ट्वेल्थ नाइट से हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर एज प्लेराइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां पढ़ना भी ज्यादा है, इसलिए भी आप ध्यान रखिएगा। और खास बात यह है कि ध्यान देंगे जब 19 का पेपर देखेंगे तो मैकबेथ से दो एक्सप्लेनेशंस भी आए हैं, ठीक है, दो एक्सप्लेनेशन करने के लिए भी आए हैं मैकबेथ से, तो इसलिए मैकबेथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं जरा क्वेश्चंस क्या आए हैं। राइट नोट ऑन कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ के कैरेक्टर से क्वेश्चन है। दूसरा ओपनिंग सीन ऑफ मैकबेथ से क्वेश्चन है। तीसरा देखते हैं ट्वेल्थ नाइट का टाइटल डिस्कस करना है। और चौथा क्वेश्चन है वायला का कैरेक्टर इन ट्वेल्थ नाइट। तो एज ड्रामेटिस्ट इन क्वेश्चंस के विषय में हम डिस्कशन तब करेंगे जब हम लोग प्लेज को पढ़ेंगे। अभी हमारा फोकस कहाँ होगा, हमारा फोकस केवल और केवल होगा पोएम पर, ठीक है, एंड विलियम शेक्सपियर एज पोएट। तो यहां पर अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन तो ये जो आया हुआ है ठीक है क्रिटिकल एप्रिसिएशन का है। एक दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, डिस्कस विलियम शेक्सपियर एज पोएट, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन और बन सकता है, डिस्कस विलियम शेक्सपियर एज अ पोएट ऑफ सॉनेट्स, ठीक है, या फिर इस एज पोएट ऑफ सॉनेट्स की जगह सोनेटियर भी लिख सकता है, ठीक है, वर्डिंग बदल सकती है, चीज यही रहेगी। तो एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है विलियम शेक्सपियर के ऊपर कि डिस्कस विलियम शेक्सपियर एज पोएट, और दूसरा क्या हो सकता है, डिस्कस विलियम शेक्सपियर एज अ पोएट ऑफ सॉनेट, मींस कि सोनेटियर के रूप में भी विलियम शेक्सपियर से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इनके आंसर्स कैसे करने हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं इन पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एज पोएट अगर बात किया जाए तो तीन क्वेश्चन विशेष रूप से बन सकते हैं। एक ये बन सकता है कि विलियम शेक्सपियर एज पोएट, दूसरा बन सकता है विलियम शेक्सपियर एज सोनेट राइटर, एज सोनेटियर। एक तीसरा जो क्वेश्चन आ चुका है वो क्या है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द सोनेट टू हिज लव। कुछ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो ऐसे, कमेंट ऑन डेडिकेशन इन सॉनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, ठीक है, आगे आप समझ लीजिए हम शॉर्ट में ही छोड़ देते हैं। और आगे बात करें तो एक क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस डार्क लेडी एंड मिस्टर डब्ल्यू एच इन द लाइट ऑफ सॉनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको हमने पहले तीन क्वेश्चन डिस्कस किए वो आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वहां से आपके क्वेश्चंस बनने पॉसिबल है ज्यादा।
अब इतने क्वेश्चंस के बाद हम लोग वापस आते हैं और विलियम शेक्सपियर को समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं विलियम शेक्सपियर एज पोइट। क्लियर? तो विलियम शेक्सपियर की बात करें, सबसे पहले इनकी अगर लाइफ और बायोग्राफी से संबंधित बातें देखने की कोशिश करें, तो आप ब्रीफ में मैंने यहां देने की कोशिश की है कि शेक्सपियर वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन स्ट्रेट फोर्ड शायर अपॉन एवॉन वार्विक शायर। ठीक है, वार्विक शायर एक प्लेस है, ठीक है, और वहां का एक छोटा सा प्लेस है जिसका नाम है स्ट्रेट फोर्ड ऑफ एवॉन। ठीक है, अपॉन एवॉन, तो एवॉन है क्या, एक रिवर का नाम है, ये एक रिवर है और इसी एवॉन रिवर की वैली में एक छोटा सा प्लेस है जिसका नाम है स्ट्रेट फोर्ड, एंड यहीं पर इनका बर्थ हुआ, यहीं पर ये पले बढ़े और इसीलिए इनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसको आप यहां पर लिख लीजिए, वो है कि बार्ड ऑफ बार्ड ऑफ एवॉन या फिर स्वान ऑफ एवॉन। ठीक है, कहां पर इनके बर्थ हुआ था, एवॉन रिवर की वैली में, प्लेस है स्ट्रेट फोर्ड शायर। ठीक है, और ये प्लेस कहां पर स्थित है, जो वहां का डिस्ट्रिक्ट है, जो प्लेस है वार्विक शायर। क्लियर? Thereafter, at the age of 18, he married Anne Hathaway. इनकी वाइफ का नाम क्या था, Anne Hathaway, जो कि इनसे बड़ी थी, आई थिंक कि 8 years एल्डर थी। ठीक है, एंड विद हुम ही हैड 3 children, 3 बच्चे इनके हुए, कौन कौन से थे, नाम था बड़े का सुजैन, ठीक है, बेटी थी, और उसके बाद 2 twins हुए थे, हैमनेट बेटा था एंड जुडिथ बेटी थी। ठीक है, क्लियर? तो हैमनेट की बाद में डेथ होती है और उसका भी क्रिटिक्स का मानना है कि उसका भी इम्पैक्ट शेक्सपियर की राइटिंग पर पड़ता है और दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखते हैं, समटाइम्स बिटवीन 1585 एंड 1592। देखिए, विलियम शेक्सपियर के विषय में बहुत सारी चीजें श्योर नहीं है। ठीक है, एक प्ले राइट हुए थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर मार्लो, ऐसा भी माना जाता है मार्लो ही शेक्सपियर है, शेक्सपियर ही मार्लो है। ठीक, ये एक थियोरी है और बहुत सारी चीजें अननोन है। ठीक है, इसी में कुछ एक इयर्स ऐसे हैं जिसके बीच कोई जानकारी नहीं मिलती, उनको जो है लास्ट ईयर ऑफ शेक्सपियर कहते हैं। और एक स्टोरी ये भी मिलती है दैट व्हेन ही वाज इन स्ट्रेट फोर्ड अपॉन एवॉन इन वॉरविकशायर एंड ही वाज अक्यूज्ड टू थेफ्ट समथिंग ऑफ मिसेस लूसी, एक कोई मिसेस लूसी थी, उनकी कोई मुर्गी या बकरी उन्होंने चुरा ली थी। ठीक है, जिसके अक्यूज होने के बाद वो अपना घर छोड़ करके भग करके लंदन आ गए थे, एंड इन लंदन समटाइम्स बिटवीन 1858 सॉरी 1585 एंड 1592 समटाइम्स बिटवीन दीज टू यस। ठीक है, ही स्टार्टेड अ सक्सेसफुल कैरियर इन थिएटर। व्हाई आई एम सेइंग थिएटर, बिकॉज ही डज नॉट वर्क डायरेक्टली एज एन एक्टर। फर्स्टली ही स्टार्टेड वर्किंग इन थिएटर एज अ बैकग्राउंड वर्कर, देयर आफ्टर ही आल्सो परफॉर्म इन सम ऑफ हिज ओन प्लेज एज वेल एज सम ऑफ प्लेज ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज लाइक बेन जॉनसन। बेन जॉनसन की का एक प्ले है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, वहां पर नहीं, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में एक कैरेक्टर है नोवेल, नोवेल। ठीक है, नोवेल का कैरेक्टर जो है कहा जा ये जाता है बताया जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने परफॉर्म किया था। तो एज एक्टर इन्होंने एक कैरियर स्टार्ट किया, देयर आफ्टर ही स्टार्टेड राइटिंग प्लेज, एंड इनका जो मेजर अमाउंट ऑफ प्ले है, मेजर अमाउंट ऑफ राइटिंग है, वो आता तो है कहां पर, इन द जैकोबियन एज। एक चीज थोड़ा सा हम आपको एज का डिवीजन समझाएं, तो यहां पर जरा सा समझिएगा, याद रखिएगा ईयर 1557,
बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है यहाँ पर, एक मिसेलनी पब्लिश हुई थी, ठीक है, जिसको कहते हैं सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स। सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, ठीक है, इसको रिचर्ड टॉटल ने पब्लिश किया था, इसलिए इसको टॉटल्स मिसेलनी भी कहते हैं। एंड इसी के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट ईयर है वो है 1558, यहां पर बनती हैं क्वीन एलिजाबेथ। सॉरी, क्वीन एलिजाबेथ केम टू थ्रोन, ठीक है, 1558 में क्वीन एलिजाबेथ गद्दी पर बैठी, कब तक रही, 1603 में जब इनकी डेथ हो गई, ठीक है, बात समझे कि नहीं। तो इस पूरे पीरियड को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एलिजाबेथन पीरियड। ठीक है, इसको कहते हैं एलिजाबेथन पीरियड। और यहां 1603 में दूसरा राजा बना जिसको कहते हैं, ठीक है, जेम्स वन। यहां पर कौन बनता है, जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड। और ये महोदय राज करते हैं 1625 तक, और इस 1603 से लेकर के 1625 तक के टाइम को कहा जाता है जैकोबियन पीरियड। अब यहां पर जरा देखिएगा, जो विलियम शेक्सपियर की हमने बर्थ और डेथ लिखी है, बर्थ क्या है, बर्थ हमने लिखा है 1564 एंड डेथ लिखा है 1616। तो मतलब अगर हम देखें 1564, 64 ही लिखा है, 1564 एंड डेथ हमने लिखा है 1616, क्लियर। तो इसमें अगर हम माने कि यहां से तुरंत इन्होंने नहीं राइटिंग कैरियर स्टार्ट किया था, राइटिंग कैरियर इन्होंने जो स्टार्ट किया वो इन्होंने स्टार्ट किया 1589 में, ठीक है। तो अगर हम देखें 1589, और ये कैरियर इनका चलता है लगभग 1613, ठीक है, 1613 तक इनका राइटिंग कैरियर चलता है विलियम शेक्सपियर का। तो इसमें आप एक बीच का पॉइंट अगर मार्क करें तो ये है 1603। तो 1603 तक, तो मींस 89 से 1603 तक थ्री, ये कहाँ काम करते हैं, एलिजाबेथन पीरियड में। लेकिन इसके बाद जो ये जो है 10 इयर्स का काम है, ये किस में आते हैं, जेकोबियन पीरियड में आते हैं। और यही 10 इयर्स है व्हेन ही प्रोड्यूस्ड मेजर अमाउंट ऑफ हिज वर्क, मेजर अमाउंट ऑफ हिज राइटिंग वर्क, गुड वर्क, ठीक है। फिर भी इनको जो है एलिजाबेथन प्लेराइट कंसीडर किया जाता है, ये बात आपको एकदम दिमाग में रखनी है कि इनका जो मेजर राइटिंग कैरियर है वो जैकोबियन पीरियड में आता है, बट ही इज बेसिकली कंसीडर एज एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट, ठीक है। तो एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट इनको कंसीडर किया जाता है। तो उन्होंने अपना राइटिंग कैरियर स्टार्ट किया, ठीक है, जो कि कब तक चला, 1603 तक चला। ही बिगन अ सक्सेसफुल कैरियर इन लंदन एज एन एक्टर, राइटर एंड पार्ट ओनर ऑफ अ प्लेइंग कंपनी कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ठीक है। एक प्लेइंग कंपनी थी, उसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ये विलियम शेक्सपियर की कंपनी थी और इसके पार्ट ओनर थे, ठीक है, पार्टनर थे कंपनी के, ठीक है। एंड लेटर नोन एज किंग्समैन, बाद में इसी कंपनी को किस नाम से जाना गया, किंग्समैन के नाम से, ठीक है। एंड एट द एज ऑफ 49 अराउंड 1613 ही अपीयर्ड टू हैव रिटायर्ड टू स्टेटफोर्डशायर वेयर ही डाइड 3 इयर्स लेटर, 3 साल बाद 1616 में, ठीक है, इनकी डेथ हो गई। डेथ की डेट थी 23 अप्रैल, ठीक है। बर्थ की जो डेट है वो एग्जैक्ट नहीं मिलती, जो इनके बैप्टिज्म की डेट है वो 26 अप्रैल, ठीक है, 26 अप्रैल जो है बर्थ का जो बैप्टिज्म, बैप्टिज्म एक क्रिश्चियनिटी का रिचुअल है,
ठीक है, जो कि लगभग बर्थ के तीसरे दिन होता है। तो उसी हिसाब से अंदाजा लगाया गया कि इनकी जो बर्थ है, बर्थ भी 23 अप्रैल को ही हुई थी। बात क्लियर है? तो इनकी बर्थ भी लगभग 23 अप्रैल को हुई थी एंड डेथ भी लगभग 23 अप्रैल को ही हुई, लेकिन इनके विषय में बहुत श्योरिटी नहीं है, ये चीजें कंट्रोवर्सियल है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने बताया कि इनको बेसिकली कंसीडर किया जाता है क्या, एलिजाबेथन प्लेराइट, और इन्होंने कई तरीके के प्लेज लिखे, जैसे कॉमेडीज लिखी, ट्रेजडीज लिखी, ट्रेजी कॉमेडीज लिखी, और इनकी कॉमेडी की क्या क्वालिटीज है, प्रॉब्लम प्लेज लिखे। तो इन सब चीजों पर मींस एज प्लेराइट हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर को, तब जब हम लोग इनका मैकबेथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहां बहुत चीजें हम लोग को ड्रामा में डिस्कस करनी है विलियम शेक्सपियर की। अभी हम लोग बेसिकली किस पर फोकस करेंगे? हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे विलियम शेक्सपियर एज प्लेराइट पर। ठीक है? अच्छा, अभी बीच में किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, जितना हमने अभी तक बात की? नो अगर सर, आपका कोई डाउट हो तो जरा बताइए ताकि हम आगे बढ़ सकें। नो सर। सर, ओके जी। लेटेस्ट क्रिटिकल एप्रिसिएशन। हाँ? सर, क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्या होता है? देखो, सर, क्रिटिकल क्रिटिकल का मतलब है एप्रिसिएशन। किसी चीज को एनालाइज करना। ठीक है? जो वर्ड क्रिटिक है वो ग्रीक वर्ड है क्राइटस, ठीक है, इससे बनता है, और इसका मतलब होता है कि टू एनालाइज लॉजिकली। समझ रहे? यस सर। तो किसी भी चीज को लॉजिकली जब आप देखते हैं, लॉजिकली पढ़ते हैं, और उसमें क्या अच्छा है, ठीक है, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, इन दो चीजों को आप जब फाइंड आउट करके चीजें लिखते हैं, दिस इज द क्रिटिकल एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है? क्रिटिकली आप उस पर कोई कमेंट करें, कोई भी वर्क हो, ठीक है, वो पोएम हो, प्रोज का वर्क हो, ड्रामा का वर्क हो, उस पर आप अपना एक क्रिटिकल व्यू देते हैं। क्रिटिकल व्यू का मतलब है आप उस वर्क को लॉजिकली पढ़ते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो एथिक्स है पोएट्री की, जो पोएट्री की चीजें हैं, एथिक्स है उसके, जो ऑर्नामेंटल थिंग्स हैं, उनके बेस पर उसको जज करने की कोशिश करते हैं कि कितने हद तक उन चीजों को उस पोएट ने फॉलो किया है। तो वहां पर जो आप लिख करके देते हैं सामने, वो क्या चीजें हैं, वो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। ठीक है? हम आपको लिखना बताएंगे, ठीक है, एक दो लिख करके दिखाएंगे, और आपको भी लिखने के लिए कहेंगे। ठीक है? चीजों को यहां एकदम से समझिए कि रटना नहीं है, समझना है, और तब समझ करके आगे खुद से करना है। ठीक है? क्योंकि हमारा टारगेट केवल आपको एग्जाम क्वालिफाई नहीं कराना है, क्योंकि आप लोगों में से, अगर मैंने ये देखा कि मोस्ट ऑफ साइंस बैकग्राउंड से आकर के लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो इस लिटरेचर को कैरी करेंगे पीजी तक, और फिर उसके बाद कुछ लोग और आगे तक जाएंगे। ठीक है? मतलब पीएचडी करेंगे, नेट करने की कोशिश करेंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो हम आपको यहाँ का बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ जब आप बीए में लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो चीजों को लिखना और उसकी एक समझ आना जरूरी है। अभी आप नए नए आए हैं तो सारी चीजें आपके लिए नई हैं, तो इसलिए मैं चीजों को लिख करके भी बताऊंगा आपको कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है और क्यों लिखना है, उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। ठीक है? तो कुछ चीजें आपको रटनी होंगी, कुछ चीजें समझनी होंगी, और कुछ चीजें करनी होंगी, ठीक है, करके सीखनी होगी। दूसरी खास बात क्या है, आपको एक आदत अभी से बना लेनी चाहिए पढ़ने की। ठीक है? पढ़ने की आदत अभी से बना लो। जैसे मैंने विलियम शेक्सपियर पे बात की, तो विलियम शेक्सपियर को आप जरा गूगल बाबा से पूछिए, ठीक ना, कि गूगल बाबा क्या कहते हैं विलियम शेक्सपियर के विषय में, तो गूगल बाबा आपको ढेर सारी जानकारी देंगे। तो उन चीजों को पढ़िए। आज तो आपको किताब
खोजने की जरूरत तो बहुत बाद में पड़ेगी, ठीक है। आपको एकदम मतलब बनी बनाई सामग्री, बना बनाया खाना मिल रहा है, बस आपको खाना है। तो एक बार जरा गूगल पे विलियम शेक्सपियर को सर्च करिए, जितना आप मैक्सिमम विलियम शेक्सपियर के विषय में पढ़ सकते हैं, जितनी चीजें आपको समझ में आती हैं पढ़िए। फिर आप जरा सा विलियम शेक्सपियर के सॉनेट या सॉनेट क्या चीज है उसको पढ़िए, जो भी बुक सोर्सेस आपको मिल जाए वहां से पढ़िए। मतलब जितना आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि यही एक चीज है जो कि कभी आपको धोखा नहीं देती, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं विलियम शेक्सपियर एज पोएट की। और एज पोएट अगर हम समझें, और यही स्लाइड लास्ट होगी आज की क्लास की, क्योंकि हमें दिख रहा है कि केवल 5 मिनट बचे हैं आपके सेशन में, ठीक है। तो हम लोग बस यही देख करके खत्म करेंगे, और एज सॉनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर और सॉनेटियर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल का मतलब है नेक्स्ट क्लास हमारी होगी सैटरडे को, सैटरडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम एज पोएट देखें तो इनके पोएटिक कैरियर को दो पार्ट में हम कर सकते हैं। पहले को हम कह सकते हैं पोएम्स, ठीक है, दूसरे को हम कह सकते हैं सॉनेट्स। तो सॉनेट्स जो है इनके एकदम क्लियर हैं, इनकी संख्या 154 है, ठीक है, 154 सॉनेट्स इन्होंने लिखे। और पोएम्स जो है इनकी श्योरिटी नहीं है, थोड़ा सा ये कंट्रोवर्सियल है कि इन्होंने ही लिखी है कि दूसरे ने लिखी है। तो उनमें तीन का नाम आता है, तीनों लॉन्ग पोएम्स हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसको पोएम्स के बजाय कहिए लॉन्ग पोएम्स, ठीक है। लॉन्ग पोएम्स में हम तीन का नाम लिखवाते हैं। पहला आप लिखिएगा वीनस एंड एडोने, देखिए कुछ जगहों पर आपको केवल दो मिलेंगे, कुछ जगहों पर तीन मिलेंगे, इसीलिए मैंने बताया कि ये क्या है, कंट्रोवर्सियल है, ठीक है। द रेप ऑफ लुक्री, और तीसरा जो है वो है अ लवर्स कंप्लेंट, अ लवर्स कंप्लेंट, क्लियर। ये तीन वर्क हैं, इनको जो है एमए तक लगभग कोई नहीं पढ़ता, केवल नाम जानते हैं लोग, एमए के बाद जो डिटेल में पढ़ते हैं वही इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, या फिर नेट देने के लिए लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रही बातें सॉनेट्स की, सॉनेट में एक आपको पढ़ना है नंबर 18, ठीक है, 18 आपको पढ़ना है, और सॉनेट के विषय में चीजों को डिटेल में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना। हाँ, इसके अलावा अगर पोएटिक कैरियर में हम बात करें तो कुछ एक चीजें आप और ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? वो सॉन्ग्स, सॉन्ग्स इन हिज प्लेस, ठीक है। तो इसने इन्होंने अपने प्लेज में कई सारे बहुत फेमस सॉन्ग्स भी लिखे हैं, लेकिन वो सारे के सारे क्या है, ड्रामा का पार्ट है और उसी में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस एक तीन बातें आपको याद रखना है, लॉन्ग पोएम्स हैं जिनमें तीन आती हैं, वीनस एंड एडोने, रेप ऑफ लुक्री, लवर्स कंप्लेंट एंड सॉनेट्स। में 154 सॉनेट्स हैं जो कि 1609 में पब्लिश हुई थी, चलिए ईयर भी आप याद रखिएगा, 1609 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, पब्लिश्ड, क्लियर। और इसके बाद हम लोग सॉनेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, देयर आफ्टर हम लोग आएंगे पोएम पर, पोएम को एक्सप्लेन कैसे करना है वो समझेंगे, और उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे लिखना है वो भी समझेंगे। ये सारी बातें होंगी अगली क्लासेस में, ठीक है। अभी आपके पास लगभग 1 मिनट का टाइम है, अगर किसी को कुछ पूछना है देन फटाफट से पूछ लो या कह बता लो, नहीं तो हम लोग आज की क्लास यहीं पर समअप करेंगे।